कांग्रेस पार्टी के पूर्व केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री व मैनिफेस्टो कमेटी के चेयरमैन सलमान खुर्शीद ने जनपद के 9 विधानसभा के सभी गैर सामाजिक संगठनों, सामाजिक संगठनों, किसान, मजदूर, अधिवक्ता संगठन, चिकित्सक, व्यापारी, रेलवे कर्मचारी संगठन, कूली, ऑटो चालक संगठन, रिक्शा चालक, पटरी व्यवसायी सहित अन्य संगठनों से मिलकर चुनाव के संबंध में फीडबैक लिया। इस दौरान विभिन्न संगठनों के पदाधिकारियों ने एक निजी मैरिज हॉल में आयोजित कार्यक्रम में मैनिफेस्टो कमेटी के चेयरमैन सलमान खुर्शीद को अपना मांग पत्र सौंपा। इस अवसर पर पूर्व केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री व मैनिफेस्टो कमेटी के चेयरमैन सलमान खुर्शीद ने कहा, सभी लोगों के विचारों एवं सुझाव को मैनिफेस्टो में शामिल कर चुनावी घोषणा पत्र की रणनीति तैयार की जा रही है तथा लोगों ने पत्रक एवं मौखिक रूप से अपने अपने विचार भी रखें। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी 2022 विधानसभा चुनाव में आम जन की समस्याओं, अधिवक्ता संघ, किसान, डॉक्टर संघ, रेलवे कर्मचारी संगठन, राज्य कर्मचारी संगठनों, कूली, ऑटो चालक, पटरी व्यवसाय, बेरोजगारी, बढ़ती महंगाई जैसी तमाम समस्याओं पर चर्चा की गई है तथा सभी के सुझावों को ध्यान में रखकर चुनावी घोषणा पत्र तैयार किया जाएगा। इस अवसर पर कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत, अमिताभ दुबे, कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र निषाद, सुरहिता करीम, मधुसूदन तिवारी, दिनेश चंद्र श्रीवास्तव, राकेश यादव, रत्नेश ठाकुर, सोनिया शुक्ला, प्रेमलता चतुर्वेदी, रोहन पांडे, संजीव सिंह सोनू, डॉक्टर पी एन भट्ट, जितेंद्र राय, अनुराग पांडे, आदि अंश गांधी, जितेंद्र विश्वकर्मा, जावेद जमा अंसारी, श्याम शरण श्रीवास्तव, तारिक शहीद, संजय चौधरी, सुनीला देवी, उषा श्रीवास्तव, सलमान अहमद, मुस्तफा अंसारी, अशोक कश्यप, नरसिंह नारायण त्रिपाठी, एम आई सिद्दीकी, राकेश मौर्य, सुहेल अंसारी, राजकुमार मौर्य, विनोद त्रिपाठी, कालंजय राम त्रिपाठी, सदानंद पांडे सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए कांग्रेस पार्टी के पूर्व केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री व मैनिफेस्टो कमेटी के चेयरमैन सलमान खुर्शीद ने कहा, उनकी मुलाकात होती रहेगी, हिस्सा ले रहे हैं, उनको बैठा दे और जो अच्छा आप लोग कहीं अपनी बात कहिए, शुरू करिए सर। जी बताएंगे अधिवक्ताओं के समस्या के संबंध में हम लोग हल है, समस्या नहीं है उसमें आप भी हैं, इसलिए सबसे पहले तो एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की मांग हो रही है जी, जी वो अभी तक पास नहीं है, ठीक यूपी की बात कर रहा हूँ जी। और दूसरा ये जो योजना चली हुई है अगर वो हट जाए और तो हम लोगों का भी उसमें दूसरा सर ये जो हम लोगों को वो बढ़ने पर वो उससे 10 लाख रुपया कर दिया जाए क्योंकि इस सरकार का नहीं था, इस समाज का नहीं था, वो अच्छा परिणाम होगा जो जी बताएं आप अपनी बात को कहिए, बैठिए ना, बैठिए ना, बताइए आशा बहु है 2006 से कगार पर पहुँच गए हैं और जितनी योजनाएं इनकी आ रही है सारी योजनाओं में आशा बहुमत को बता दे रहे
हजारों किसान समाज के तमाम लोग समस्या थे, तो सरकार के रोल को करना चाहिए था। देखिए जो उत्तर प्रदेश के मन की बात, दिल की जो कुंठाएं हैं, जो पीड़ाएं हैं, जो लोगों की समस्याएं हैं, वो लोग व्यक्त करते हैं। हम बीच में जाते हैं तो लोग बताते हैं, समझाते हैं। हम लोग राजनीति में हैं इसलिए जो भी ज़मीनी वास्तविकताएं हैं उनसे हम परिचित हैं। लेकिन हम ये चाहते हैं कि जो प्रियंका जी ने हमें दिशा निर्देश दिए हैं कि हम जाकर लोगों को एक अनुभव, लोगों का ऐसा हम दे सकें लोगों को कि उन्हें लगे कि ये मैनिफेस्टो हम बना रहे हैं, ये पार्टी नहीं बना रही है, ये यहाँ की आम जनता मैनिफेस्टो बना रही है। अगर आम जनता को कहा जाता आप एक समान एक साथ बैठकर लिखित में मैनिफेस्टो बना दीजिए, घोषणा पत्र बना दीजिए, तो हर वर्ग के लोग क्या कहते, हर समुदाय के लोग क्या कहते, हर क्षेत्र के लोग क्या कहते, हर व्यवसाय से जुड़े लोग क्या कहते, और एक साधारण व्यक्ति जिसके पास शायद कुछ नहीं है वो क्या कहता या कहती, उसको हम यहाँ मैनिफेस्टो में डालने के लिए आए हैं। तो ये मान के चलिए कि जनता के बीच में बैठकर जनता की जो भी भावना है उसको समझने के लिए और उसको रिकॉर्ड करने के लिए हम आए हैं, ताकि जब मैनिफेस्टो निकलेगा, घोषणा पत्र निकलेगा, आप क्षेत्र में लोगों से पूछेंगे ये घोषणा पत्र कैसा है, तो लोग ये कहेंगे मेरी कही हुई बात यहाँ पर अंकित की गई है। मुझे ऐसा लगता है कि पहली बार मुझे एक मौका मिल रहा है अपने मन की, अपने मत की, सच्चे मत की सरकार बनाने का, ऐसी उम्मीद के साथ हम यहाँ आए हैं। देखिए उतार चढ़ाव राजनीति में आते हैं और वो और पार्टियों के साथ भी आए हैं। हर चुनाव में कोई जीतता है, कोई हारता है, और कोई अपने आप को कुछ भी समझ ले, कितना भी सशक्त मान ले, चुनाव आते हैं वो उसकी वास्तविकता और सच्चाई बता देते हैं। ऐसा सही है कि कांग्रेस को पिछले 33 वर्षों में उत्तर प्रदेश में थोड़ा सा बुरा समय देखना पड़ा है। जो कारण है उसके, हम मानते हैं वो कारण उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ने का अवसर नहीं देंगे, इसलिए हमें उत्तर प्रदेश के लोगों को समझाना है। बार बार समझाएंगे, जब तक नहीं उत्तर प्रदेश के लोगों को अपनी बात समझा पाएंगे हम लोग प्रयास करते रहेंगे। कभी कभी हो सकता है कि भाषा बदलनी हो, कभी कभी हो सकता है कि उसका प्रेजेंटेशन बदलना हो, उसका प्रस्ताव का तरीका बदलना हो, वो हम जहाँ जहाँ हमको जो अनुभव हमको होता रहेगा आम जनता की सोच का, वैसा हम करते रहेंगे। हमें विश्वास है कि एक दिन एक बहुत महान बदलाव आएगा और उत्तर प्रदेश में आप एक बार फिर एक अच्छी और एक कामयाब सरकार, जिसमें कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व होगा, आपको देखने को मिलेगा। बीजेपी कम से कम ये कह देती कि कांग्रेस शिष्टाचार में है, कुछ तो कह देती। ये कह देना कि हमें दिखती नहीं, हमको दिखती नहीं, रोज़ हमको वो क्रिटिसाइज़ करते हैं, रोज़ टीवी पे बैठ के सुप्रिया जी से झगड़ा करते हैं, जब हम हैं नहीं तो दिखना ही नहीं चाहिए। अगर हम दिखते नहीं तो हमसे बात क्यों करते हैं, हमको आरोप क्यों लगाते हैं, हम पर प्रश्न क्यों पूछते हैं, कहीं ना कहीं तो हम उनको दिखते होंगे, कुछ नहीं तो हम उनकी दुखती रग हैं कि जहाँ हाथ रखता है कोई तो वो चिल्लाते हैं कांग्रेस, जहाँ हाथ रखता है तो वो चिल्लाते हैं कांग्रेस। हमें उनके सर्टिफिकेट्स नहीं चाहिए, हमें जो करना है वो हम जानते हैं, वो हम कर रहे हैं।